हो गई है एक छोटी सी प्रॉब्लम। हुआ क्या है कि मेरी डोमिनार जो स्टार्ट नहीं हो रही है। आज मुझे निकला था हल्द्वानी के लिए, डोमिनार की एक्सेसरीज आ गई है नई 2022 वाली। जो डोमिनार कंपनी की तरफ से जो ऑलरेडी फिटेड टूल एक्सेसरीज आती हैं 2022 डोमिनार में, वो मैंने ऑर्डर की थी तो वो मेरी आ चुकी है। वहाँ मैकेनिक से बात की, उन्होंने मुझे सॉल्यूशन दिया है, तो वो मैं एक बार कर रहा हूँ और अगर वो सॉल्यूशन वर्क करेगा देन वी विल डेफिनेटली गो विद। तो आप लोगों ने देखा अभी कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं जितने भी सेल्फ ले रहा हूँ उसमें क्या हो रहा है कि मीटर ब्लिंक कर रहा है, देन जो उसकी लाइटिंग हो रही है वो बुझ जा रही है, बार बार फिर स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने काफ़ी मतलब धक्का मार के भी स्टार्ट करने की कोशिश की, तो बैटरी को निकाल रहा हूँ और बैटरी को पुल कर रहा हूँ वहाँ से, और उसके बाद बैटरी को चार्जिंग के लिए लेके जा रहा हूँ और फिर देखेंगे कि प्रॉब्लम जो है वो बैटरी से है या फिर कोई इंजन में कोई फॉल्ट आ रहा है। तो बाइक मेरी यहाँ पे खड़ी है और मैंने जो है कि इसकी सीट निकाल दी है यहाँ से, और मैंने यहाँ से बैटरी भी पुल कर ली है। बैटरी को मैंने निकाल के बाहर रख दिया यहाँ पे। और गाइस आप देख सकते हैं कि डोमिनार में जो बैटरी आती है वो ये वाली आती है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं बैटरी की कॉन्फ़िगरेशन, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, 8 एम्पियर करंट के साथ में आती है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट दिखा रहा है 23/5/2020 की मैन्युफैक्चर्ड बैटरी है, और इसको चलना चाहिए अराउंड यार 3-4 साल तो निकालने चाहिए। अभी विंटर्स चल रहे हैं तो मेरी बाइक खड़ी थी यहाँ पे 10-15 दिन से, मैंने स्टार्ट नहीं की थी, तो हो सकता है कि उसकी वजह से हो गया हो, क्योंकि यार समर्स में भी जब कोविड था तो उस समय भी गाड़ी 1-1 महीने खड़ी रहती थी, मैं घर पे कहीं जाना हो नहीं पाता था, तो उसमें तो यार स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन आज विंटर्स के टाइम पर ये स्टार्ट नहीं हो रही है, तो देखते हैं कि बैटरी की प्रॉब्लम है या फिर कुछ और इशू आ रहा है। पहले बैटरी को एक बार चार्जिंग पे लगा देते हैं, देन वी लुक इनटू इट। तो गाइस अभी हम लोग आए थे बैटरी चार्ज करवाने के लिए, यहाँ पीछे हमारे ये जो बेरा सबको दिख रहा है, तो इन्होंने मना कर दिया, बोला कि यार हम छोटी बैटरी के चार्ज नहीं करते हैं, ये बैटरी आप अपने घर पे इन्वर्टर से चार्ज कर सकते हैं, जो छोटा वाला चार्जर आता है ना उससे भी कर सकते हैं। तो मैं अपने घर पे जाके क्या करने वाला हूँ, अब इन्वर्टर से इसको चार्ज करूँगा, और यहाँ नीचे रखी हुई है बैटरी हमारी। सो गाइस फाइनली हमारी बैटरी जो है वो चार्ज हो गई है, और ये जो वायर है इसके थ्रू मैंने अपनी बैटरी को अपने इन्वर्टर से कनेक्ट कर दिया था। जो ये प्लस माइनस के वायर्स कनेक्शंस हैं वो मैंने यहाँ प्लस माइनस पे लगा के और बैटरी को अपने 6 घंटे तक मैंने इसे चार्ज किया। जल्दी से जल्दी गाड़ी के अंदर फिट करते हैं, और अभी मैं फटाक से गाड़ी को जो गद्दी है वो खोल लेता हूँ और बैटरी को अपने प्लेस कर देता हूँ वहाँ पे, देन वी विल सी कि अभी क्या डिफरेंस आया है हमारी बैटरी चार्ज करने के बाद, हमारी गाड़ी सेल्फ ले रही है या नहीं ले रही है, फिर इसमें कोई और टेक्निकल फॉल्ट आया है, तो हम लोग अभी देखेंगे। अगर ये नहीं होगा तो बैटरी को निकालना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है, तो कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड रहता है ऑलरेडी। दोनों टर्मिनल हमारे अच्छे से कस गए हैं, नट मैंने यहाँ पे दोनों कस दिए हैं, प्लस वाला प्लस पे, माइनस वाला माइनस पे, और हमारी बैटरी प्रॉपर फिट हो गई है। अभी हम लोग सेल्फ लेके एक बार देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं कि हमारे मीटर कंसोल में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखते हैं मीटर में, ये कुछ F0C0 पता नहीं क्या लिखा हुआ आ रहा था शुरू में, आप लोगों ने देखा जैसा कि अभी ये बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन अभी पता नहीं यहाँ पे कुछ F0C0 सा कुछ आ रहा था, शायद वो बैटरी निकालने की वजह से हुआ हो, बट आई गेस कि उसी वजह से हुआ होगा। बाकी देखते हैं अभी कि हमारी गाड़ी सेल्फ लेती है या नहीं, कि हॉर्न तो प्रॉपर बज रहा है, एक बार सेल्फ ले लेते हैं। ओ या यस गाइस, फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो गई है, आई एम सो हैप्पी कि गाड़ी में कोई इशू नहीं है। बाकी बैटरी ही एक इशू था, जो कि बैटरी डाउन हो गई थी मेरी, उसकी वजह से ही मेरी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं ले रही थी। बाकी फ़िलहाल अभी ऑल सेट है, बाइक ने स्टार्ट ले लिया है पहले ही सेल्फ में। मैं ऐसे अब कल एक राउंड पे लेके जाऊंगा, क्योंकि बैटरी जो है ड्रेन हो जाती है खड़े खड़े सर्दियों के टाइम में, विंटर्स के टाइम में, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। बाकी एक गाड़ी को ना मतलब वीकली जो है चलाते रहना चाहिए, क्योंकि मैं यार वीकेंड पर भी जा नहीं जाऊँ कहीं पे, तो गाड़ी घर में खड़ी हुई है। बाकी अपनी एक्टिवा से जा पाता हूँ मैं, वो पापा की बाइक है, कहीं जाना होता है लोकल में तो एक्टिवा पे जाता हूँ। बाकी ये जैन ही देखो कितना परेशान कर रही है यार। हाँ क्या हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ आओ आ जाओ जल्दी आओ आओ फटाफट आ जाओ गोदी आ जाओ। एक बार गाड़ी बाइक की आवाज़ सुन के भाग दिए जैनी। तो फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो गई है, बैटरी की प्रॉब्लम थी, ऑल सेट है। जैसे कि आप लोगों ने देखा गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है, इसमें बैटरी की प्रॉब्लम थी मेनली, बैटरी जो है ड्रेन हो गई थी विंटर्स में खड़े खड़े, तो बाकी अब लोग हम लोग चलाते रहेंगे, कंटिन्यूसली चलाएंगे, तो बैटरी जो है ड्रेन नहीं होगी। फिलहाल गाड़ी स्टार्ट हो गई है, सो आई एम सुपर हैप्पी। अब मिलता हूँ किसी नेक्स्ट अच्छे ब्लॉग में, टिल देन टाटा टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, राइड सेफ।